Hey guys, welcome back to my channel. This is Ruchi और आज के vlog में हम जाने वाले हैं स्विट्ज़रलैंड के बहुत ही रीजनेबल ब्रांड्स पर, जहाँ से आप ग्रॉसरी खरीद सकते हैं. यहाँ की दो ब्रांड्स हैं जो बहुत रीजनेबल हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री. तो पहला ब्रांड है कूप और दूसरा ब्रांड है मिक्रोज. तो ये दो ब्रांड्स हैं जहाँ पर काफ़ी रीजनेबल ग्रॉसरी आपको मिल सकती है. तो चलिए, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर. तो फाइनली हम पूरी तरह से पैक होकर आ चुके हैं कूप, और देख सकते हैं आप, दिस इज एंट्रेंस. Coop is well-known supermarket in Switzerland and also one of Switzerland's largest retail and wholesale brand, which deeply rooted in the country and internationally active. तो भाई, मैं बहुत देर से रीज़नेबल कर रही हूँ. लेट्स गो इनसाइड एंड चेक हाउ रीज़नेबल दिस इज़. और अभी मैं लूसन के कूप पर हूँ. सबसे पहले एंटर करते ही राइट हैंड पर ये शो पीसेज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स के सेक्शंस हैं, एंड लेफ्ट हैंड पर बिलिंग काउंटर है. अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि 1 franc में 91 rupees होते हैं. दैट मीन्स इफ़ यू आर पेइंग 1 franc, दैट मीन्स यू आर पेइंग 91 rupees. ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसीलिए बता दिया है ताकि आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करने में ईजी रहे. ये रेट्स आप जो फ्लावर्स पे देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट यू नो बहुत बड़े डिस्काउंट के बाद है, और एक बुकी में लिमिटेड फ्लावर्स ही हैं. आई नो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे हैं और यू नो प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. बहुत ही लिमिटेड फ्लावर्स हैं और छोटा सा बुके है, वो ऊपर से आपको हैवी लग रहा है. तो बट ये वाला सेक्शन ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. मेरी नज़रें रुक रही हैं, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा. तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल से. यहाँ जो वेजिटेबल के प्राइस हैं, रेट्स हैं जो, वो 500 ग्राम के हिसाब से हैं या फिर पर पीसेस के हिसाब से हैं, ये 1 kg के हिसाब से नहीं हैं. तो 2.95, दैट मीन्स 268 rupees फॉर हाफ के जी एंड 536 फॉर 1 kg. 3.30, तो आप हिसाब लगा सकते हैं. दिस इज़ कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर के रेट्स यहाँ पर जो हैं 4.95, दैट मीन्स 450 rupees. और एक टाइप और है यहाँ जो 2.95 francs है, ये ब्रोकली का भी कॉस्ट अराउंड 5.40 है, दैट मीन्स 490 rupees. ये मशरूम है, मशरूम 6 to 7 pieces मशरूम के हैं, एंड प्राइस आप देख सकते हैं. और एक्चुअली काफ़ी वैरायटी है मशरूम की. ये पेपर, रेड पेपर एंड येलो पेपर, दैट इज़ 2.90, दैट मीन्स 263 rupees. तो भाई, प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये नाउ टमेटोज 3.20 francs, एंड इसके हिसाब से आप यद लगाएं तो 290 rupees. तो हाफ के जी है वो. हाँ भाई, तो कैलकुलेट करके कन्वर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए. तो भाई, आप कीजिए कन्वर्ट, रेट्स वहाँ पर हैं, एंड दीज आर जूसेस एंड ऑल, सब मेंशन हो रखा है यहाँ पर. आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. एक्चुअली मेरा मैथ्स ना थोड़ा वीक है, तो इतनी मेहनत मुझसे होगी नहीं. एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वीक है. तो आप प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पर सारे मेंशन हो रखे हैं. आई गेस प्राइस है 4.95, 1.55, 2.95 francs. ये सारे फ्रेंक्स में हैं, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि 1 franc, दैट मीन्स 91 rupees. स्विट्ज़रलैंड्स लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक क्रेट फिश एंड सी फूड. काफ़ी वैरायटी है सी फूड और फिश में भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर. और प्राइस सबका मेंशन हो रखा है साथ से.
बस वो देखना मिल्क चॉकलेट है, डार्क ना हो, लिखा होगा ऐसे मिल्क चॉकलेट करके। ये तो ब्लॉन्ड कर रहा है मेरा मतलब। हां तो ऐसे तो कुछ ले लो, लेकिन बस डार्क ना हो, क्योंकि लोगों को डार्क बहुत कम अच्छी लगती है। तो भाई कहानी का सार ये है कि कूप एंड मिग्रोस आर रीजनेबल ब्रांड्स, पर जो लोग स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं उनके लिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि हमने और भी ब्रांड्स चेकआउट किए थे एंड दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा रेट्स थे उनके। और यदि आप बात मेरे करते हैं तो मुझे तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, कहाँ हम 40 रुपीज़ में कॉलीफ्लावर लेकर आ जाते हैं यार, 5-10 रुपये का अंतर होता है थोड़ा बहुत। ब्रोकली भी 150 रुपीज़ तक आ ही जाता है हमारे यहाँ पर तो भाई इंडिया में। अब आप सोचिए कि ये रॉ वेजिटेबल्स इतने एक्सपेंसिव हैं तो कुक्ड फूड के रेट तो भाई आसमान छूते होंगे, होते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ एक्सपीरियंस कर लिया है उसका भी, और मैं उसका भी एक व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। बट इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि इट वॉज जस्ट अ कंपेरिजन बिटवीन कूप एंड अदर ब्रांड्स इन स्विट्ज़रलैंड। सो येस, इट इज़ रीजनेबल इफ़ यू आर स्टेइंग इन स्विट्ज़रलैंड, एंड मिग्रोस के भी रेट्स ऑलमोस्ट यही हैं। एंड इस ब्लॉग को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया है, और यदि आपको भी मज़ा आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये है कॉस्मेटिक सेक्शन पूरा गर्ल्स के लिए, तो भाई देखिए सब्सक्राइब करने से पहले मैंने बोल दिया है, तो गर्ल्स तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। What is this? For mama. You have picked it for mama. Show it. What color is this? Wow, it's really pink. Pink color? Yeah. You have selected only? Yeah. Okay, let's go. Chale, let's go baby, let's go. Do you want to run? No. No? Oh. But in Bangalore you always run, is it? No. But here, why? But here why are you not running? You're following all the rules? Are you following all the rules? Yes. Huh? Like a good boy? Yes. Huh? तो अब हम हैं बिलिंग काउंटर पर, एंड यू वोंट बिलीव गाइस कि मेरी शॉपिंग जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी वो एक छोटे से बैग में आ चुकी है। और काफ़ी लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि लड़कियों की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती है। अब हो चुकी है मेरी शॉपिंग डन, एंड आई हैव बॉट सो मैनी लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स एंड चॉकलेट्स। अर्लियर आई वॉज थिंकिंग यहाँ सिर्फ ग्रॉसरी का सामान मिलता है, बट यहाँ आपको कॉस्मेटिक और ऑफकोर्स ग्रॉसरी और भी बहुत कुछ मिलता है, आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिलेगा। तो ये था मेरा ब्लॉग कूप पर, और आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।